सो फ्रेंड्स, आपके सिस्टम में जंक फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं और टेम्प फाइल्स, जिससे आपका कंप्यूटर हीटअप हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो स्लो हो जाती है। सो मैं आपको इजी सा वे बताऊंगा जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी 100 टाइम फास्ट हो जाएगी। सो आपने सिंपली ये लिंक डायरेक्टली ओपन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। सो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है, न्यू टैब पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिंक को पेस्ट कर देना और प्रेस एंटर करना है। अब आपके सामने ये पावर सेल का कोड आ गया है, आपने सिंपली ये सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लें और ये आप जो है ये कोड इसको कॉपी कर लें। ये 32 लाइंस है, आपने इसको सिंपली यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है। अब आप इसको मिनिमाइज कर दें, आप ये सर्च बार पे आपने टाइप करना है पावर शेल, PowerShell। आप जैसे ही पावर लिखेंगे अब आप ये देख सकते हैं कि विंडोज पावर शेल ISE x86, तो आपने इस पे सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना। सो अभी आपके सामने पावर शेल ओपन हो गई है, मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करें। अब आपके सामने ये न्यू फाइल जनरेट होगी। अब यहाँ पे आपने उस कोड को Ctrl+V से पेस्ट कर लेना। ये आपने पेस्ट कर लिया, अब आप इसको फाइल पे क्लिक करें और इसको सेव एज पे क्लिक करें। अब आप जिस भी लोकेशन पे चाहे इसे सेव कर लें। सो मैं अपने डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेता हूँ, ओपन, और इसका मैं नेम रख लेता हूँ, इसका नेम मैं अपनी मर्जी का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ फास्टर परफॉर्मेंस और इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये फाइल जनरेट हो गई है पावर शेल की। सिंपली मैं इसके जो है इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन विद पावर शेल कर लेता हूँ। को मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ यहाँ से। आप देखें डिस्प्ले में क्लीन अप स्टार्ट हो गया, रिमूविंग टैम्प। अब ये फिनिश्ड हो गया, अब ये जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। चले मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि कोड असल वर्किंग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप पे रिसाइकल बिन एम्प्टी करेगा, उससे सारी फाइल्स रिमूव करेगा। देन सेकंड पे रिमूव टेम्प, ये टेम्प फाइल्स होती हैं जो सिस्टम को हीटअप करती हैं, इनकी लोकेशंस ढूंढ के इनको डिलीट करेगा। फिर ये रनिंग डिस्क क्लीन अप टूल, ये आपकी जंक फाइल्स जो है जितने भी जंक फाइल्स टेम्प्रेरी फाइल्स इनको भी डिलीट कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।